चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो क्या हो गया, थर्ड यूनिट के अंदर कंप्लीट हो गया था। और देखो, लेकिन कंप्लीट हो गया, अब जो नया पेपर है वो हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि दो क्वेश्चन जो है इसके अंदर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ओनली फॉर एक ही के ऊपर पूछा जाता है, पर तरीका हमेशा उस क्वेश्चन का क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको ये समझ नहीं आ पाएगा कि वो पूछ किस चीज का रहा है, मतलब कौन से पोटेंशियल, किस टाइप के पोटेंशियल के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप समझ नहीं पाओगे, तो उस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो वो दो क्वेश्चन जो है वो मैं अभी करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपका नया पेपर है थर्मल फिजिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो क्या है, अनंत चौड़ाई तथा जीरो पॉइंट जीरो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंचाई की विभव रोधिका से इलेक्ट्रॉन नौ का एक पुंज टकराता है। इलेक्ट्रॉनों के विभव रोधिका से परावर्तित तथा पारगमित, परावर्तित तथा पारगमित होने वाले अंशों का मान ज्ञात कीजिए। यदि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा अलग अलग टाइप की ऊर्जा के बारे में बताया है, ऊर्जा का मान नंबर वन कितना दिया हुआ है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर टू आपके पास एनर्जी कितनी हो अगर, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नंबर थ्री आपके पास एनर्जी कैसी हो, 0.03 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसने क्या बोला, अनंत चौड़ाई मतलब 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंचाई, अनंत चौड़ाई। तो आपको मालूम हो तो ओनली फॉर एक पोटेंशियल स्टेप ही ऐसा था जिसकी चौड़ाई क्या थी, अनंत थी। अदरवाइज हमने देखो वन डायमेंशनल बॉक्स वाला तो उसकी फिक्स है, पर उसमें पोटेंशियल फील्ड ऊपर तक क्या था, काफी था, मतलब एक फिक्स पॉइंट के ऊपर उसका मान क्या था, इनफाइनाइट था, अदरवाइज और किसी जगह पे नहीं। पर आपने एक पोटेंशियल स्टेप पढ़ा और एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ा, तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में आप देखा एक फिक्स विड्थ तक ही इसका मान क्या था, पोटेंशियल का मान था। लेकिन आप पोटेंशियल स्टेप में देखोगे तो आप लोग देखोगे तो उसमें एक पॉइंट के पश्चात पोटेंशियल क्या है, कंटिन्यूअसली अनफाइनाइट तक उसका मान क्या था, वी नॉट के बराबर था। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो अनंत चौड़ाई का विभव, अनंत चौड़ाई का जो ये विभव रोधिका है, इसको हम क्या मान सके, कि जो विभव रोधिका है वो क्या होगी आपके, एक विभव सीडी की तरह क्या करेंगे, तरह होती है, इस तरीके से इसको बना सकते हो। यहाँ पे ये x बराबर जीरो से लेके ये कहाँ तक है कोई फिक्स नहीं, पर इस विभव सीडी की जो पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान वी नॉट बराबर कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज इंसिडेंट होता है। तो इस कंडीशन में उसने पहली कंडीशन आपको क्या दी हुई है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो इसका परावर्तन होगा या पारगमन होगा, पूरे कण परावर्तित होंगे या कुछ कण परावर्तित होंगे, उसके अप्रोक्सीमेशन के लिए परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में E का मान क्या दिया हुआ है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और V नॉट का मान क्या है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब E क्या है, ग्रेटर देन है V नॉट। जब E ग्रेटर देन होता है V नॉट के तो NM चौड़ाई की विभव रोधी का या विभव सीडी के लिए परावर्तन गुणांक आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, के माइनस बीटा अपॉन के प्लस बीटा के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो के का मान आपने देखा था क्या था, के पहले वाले स्टेप के अंदर जो आप श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट निकाल रहे थे वो वाला, तो यहाँ पे के का मान जो है वो क्या होगा आपके 2mE अपॉन H कट का स्क्वायर। एक एक चीज बताई हुई है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, के का मान ये है और साथ ही साथ बीटा का मान जो है वो क्या होगा बराबर 2mE माइनस V नॉट अपॉन H कट का स्क्वायर। अब यहाँ पे E माइनस V नॉट इसलिए आया है क्योंकि एनर्जी क्या है ज्यादा है, इंसिडेंट होने वाले पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से क्या है अधिक है, इस वजह से इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों के मान, इस बीटा का मान और के का मान इस समीकरण में रखेंगे तो आर वेक्टर क्या प्राप्त होगा आपके, अब देखो आर बराबर क्या आएगा, वन माइनस रूट ई माइनस वी नॉट अपॉन ई अपॉन वन प्लस रूट ई माइनस वी नॉट अपॉन ई। तो आर बराबर क्या हो गया आपके, रूट ई माइनस रूट ई माइनस वी नॉट अपॉन रूट ई प्लस रूट ई प्लस वी नॉट। ठीक है, अब आप यहाँ पे दी गई एनर्जी का यूज करोगे तो यहाँ पे V नॉट बराबर आपको क्या दिया हुआ है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अगर आप वोल्ट के अंदर ओनली फॉर चेंज करोगे तो 0.03 इंटू क्या आ जाएगा आपके 1.6 इंटू 10^-19 वोल्ट। अब इसको फिर से आपको अगर जूल में चेंज करना है तो 4.2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो V नॉट बराबर क्या आ जाएगा आपके जूल के रूप में 4.8 × 10^-20। ठीक है, इसी प्रकार से एनर्जी यू को चेंज करोगे तो ये 0.04 × 1.6 × 10^-19 × 4.2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी लगभग 6.4 × 10^-21 जूल के बराबर आएगा। ठीक है, अब आपके पास में दोनों के ई के और V नॉट दोनों के मान किसके रूप में पता है, जूल के रूप में पता है, इसके मान रखो और परावर्तन गुणांक का मान हम क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे कितना आएगा वो देखिए। अब देखिए R बराबर क्या आएगा आपके कोष्ठक में रूट 6.4 × 10^-21 माइनस रूट 6.4 × 10^-21 माइनस
v नॉट का मान है 418 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 1 क्यूब अपॉन नीचे रूट 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 प्लस रूट 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर आ जाएगी आपके कोष्टक में, रूट 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 माइनस की माइनस रूट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 अपॉन रूट 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 21 माइनस रूट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो r की वैल्यू है लगभग जब सॉल्व करोगे आप तो कितनी आएगी 0.1, मतलब ओनली फॉर 10% पार्टिकल जो होंगे जब एनर्जी क्या है ग्रेटर देन है वी नोट से, तो ओनली फॉर 10% पार्टिकल का क्या होगा परावर्तन होगा किससे आपकी दी गई पोटेंशियल स्टेप से। और t बराबर 1 माइनस r इजिकल्स टू क्या आएगा 1 माइनस 0.1 इजिकल्स टू 0.9, मतलब लगभग 90% पार्टिकल जो हो जाएंगे होंगे वो क्या करेंगे इस पोटेंशियल स्टेप को पार करके आगे की तरफ क्या हो जाएंगे पारगमित हो जाएंगे। ये कौन सी कंडीशन है जब आपके पास एनर्जी कैसी हो पोटेंशियल स्टेप की एनर्जी से अधिक हो तो उस कंडीशन में 10% पार्टिकल का तो क्या होगा परावर्तन और 90% पार्टिकल का क्या होगा पारगमन होगा। अब इसी तरीके से जब एनर्जी क्या हो लेस देन वी नॉट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन ई का मान कितना है 0.025 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है लेस देन है वी नॉट से, जब ई लेस देन वी नॉट हो जाता है तो उस कंडीशन में लगभग आपके 100% पार्टिकल का क्या होगा परावर्तन होगा, कुछ ही बहुत ही कम मात्रा या बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका कुछ पार्टिकल पारगमित हो सकते हैं, पर 99.99% पार्टिकल का क्या हो जाएगा आपके परावर्तन होगा 0.01% के करीब आपके पार्टिकल जो होंगे पारगमित होंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं r का मान लगभग किसके बराबर होता है 1 और t का मान किसके 0 के। थर्ड कंडीशन जब एनर्जी क्या है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर वी नॉट के बराबर हो तो उस कंडीशन में आर का फॉर्मूला क्या है अभी हमने निकाला रूट ई माइनस रूट ई माइनस वी नॉट अपॉन रूट ई माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ई अपॉन रूट ई का मतलब जब एनर्जी क्या हो पोटेंशियल स्टेप के बराबर होगी तब जितने पार्टिकल इंसिडेंट होंगे उतने के उतने ही पार्टिकल क्या हो जाएंगे पूरे के पूरे परावर्तित हो जाएंगे, मतलब 100% पार्टिकल का सिर्फ परावर्तन ही हो सकता है एनर्जी जब पोटेंशियल स्टेप के बराबर होगी। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जब एनर्जी बराबर है तो उस कंडीशन ओनली फॉर पार्टिकल का परावर्तन संभव है पारगमन का मान हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर में जो ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है वो इसी से बनता है क्योंकि जितने क्वेश्चन थे आपके वन डायमेंशनल बॉक्स के रिलेटेड वो सारे मैंने करवा दिए थे तो बचा ओनली फॉर ये क्योंकि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर से इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितने कि इससे बनते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना इसके के जो फॉर्मूले वो याद रखना काफी जरूरी होते हैं, ठीक है ना।
100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊंची विभव रोधी का जिसकी जिसकी चौड़ाई जीरो पॉइंट वन एम एम पर 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मान का एक इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है रोधिका से इलेक्ट्रॉन पुंज के पारगमन होने की प्रायिकता की गणना की, मतलब आपके कितने परसेंट पार्टिकल जो है वो क्या होंगे इसमें से पारगमित हो जाएंगे वो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, बताना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो नॉर्मली जो विड्थ होती है वो आप लोगों के, जैसे कि आप देखोगे तो जो दी जाती है वो एंगस्ट्रॉम के अंदर या नैनोमीटर के अंदर ली जाती है, ठीक है ना, पर यहाँ पे विड्थ देखोगे तो आप मिलीमीटर के अंदर, मतलब उस नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा, बहुत ही वर्थ है ये विड्थ। तो इस वजह से ये जो विड्थ है ना, ये नॉर्मली जो दी जाती है उसकी तुलना में काफी अधिक होने के कारण इस विड्थ की, इस चौड़ाई वाले विभव रोधी का हम कैसा मान सकते हैं, अनंत चौड़ाई की विभव रोधी का या अनंत चौड़ाई का विभव सीडी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वही पॉइंट, चूंकि विभव रोधी का की चौड़ाई क्या है अपेक्षाकृत अत्यंत वर्थ है, ठीक है, ठीक है, जब ये अत्यंत वर्थ है या बड़ी है तो इसे अनंत चौड़ाई की विभव सीढ़ी के समान भी यापन में इसे किसकी तरह, इसे विभव सीढ़ी भी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जब हम विभव सीढ़ी मान सकते हैं तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो R का मान क्या आता है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी आपको क्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉन पुंज की 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E क्या, V क्या दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टेप की ऊंचाई कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी जो है इंसिडेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज उसकी कितनी है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस कंडीशन में आर का जो मान है वो तो आपके पास में क्या आता था, के माइनस बीटा अपॉन के प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से टी का मान अगर ज्ञात करना चाहो तो 1 माइनस आर होता है, और वो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस
के माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन के प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फॉर बीटा के अपॉन के प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर किस किस का मान रखना है, सर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं वापिस सही कर लेंगे। वैसे देखोगे तो यहां से आपके ये टी का मान जो है वो क्या आएगा, बीटा के अपॉन रूट कोष्टक में क्या लिखा जाता है, बीटा प्लस के का होल स्क्वायर ही लिखा जाता है, पर ये फॉर्मूला जो है आपके ई लेस देन वी नोट वाली जो कंडीशन है पोटेंशियल स्टेप की उससे निकला है, ठीक है ना। तो इसमें जो जो हमने अभी मैंने बताया था वो थोड़ा सा अलग है, वो क्या है एनर्जी ग्रेटर देन जो होती है वी नोट उस कंडीशन के अंदर है, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे चेंज हुआ, मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ, आर का मान हाँ वहां पे भी आर वहां पे अपन किससे करते थे, अल्फा से करते थे, ठीक है ना, अल्फा लेते थे यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या होगी अल्फा, ये अल्फा, क्योंकि तो देखो सेम ही है स्टेप है पर चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, इस वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये फोर अल्फा के अपॉन अल्फा प्लस के का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां पे जो आप फॉर्मूला देखोगे तो आर बराबर क्या लिखते हो, अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के इंटू अल्फा प्लस आयोटा के अपॉन अल्फा माइनस आयोटा के ऐसे लिखते थे, लेकिन अगर हम ओनली फॉर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ये अल्फा का स्क्वायर और के का स्क्वायर और वैल्यू वन आ जाती थी इसके डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है एक दूसरे से कट जाती थी, और आप देखोगे तो वहां पे भी आपके पास में साइन सेकंड जो था वो नॉट इक्वल टू जीरो था, इस वजह से कुछ प्रोबेबिलिटी थी कि पार्टिकल किस में पाया जा सकता है, पोटेंशियल स्टेप से पारगमित हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे साइन सेकंड इज नॉट इक्वल टू जीरो होने की वजह से इसमें पारगमन होने की कुछ ना कुछ प्रायिकता होती है। तो यहाँ पे ये जो के था वहां से श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने प्राप्त किया था उसका मान क्या था, टू एम ई अपॉन एच कट का स्क्वायर, और अल्फा का मान जो था वो क्या था, टू एम वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है आपके आपतित होने वाले पार्टिकल की एनर्जी से क्या है अधिक है। तो अब देखो ये इक्वेशन कैसे चेंज होगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, टी का मान टी बराबर आपके आएगा रूट ई कोष्टक में रूट वी नॉट माइनस ई अपॉन रूट ई प्लस रूट वी नॉट माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखेंगे इसके अंदर, तो ये मान रखने पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, टी बराबर देखिए ई कितना दिया हुआ है, अनसेटल्ड पार्टिकल की एनर्जी 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल स्टेप की 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान रख दीजिए फॉर रूट 64 रूट 100 माइनस 64 अपॉन रूट 64 प्लस रूट 100 माइनस 64 का होल स्क्वायर, तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपके 4 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 4 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 14, और इसको सब और क्योंकि ये सारा का सारा किसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको किस में चेंज करना हो सिर्फ वोल्ट में, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आपके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इनके साथ में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, तो भी ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो
जब इसके अंदर डिवीजन करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपके जो आती है दो बार, सॉरी दो से ये सात बार हो गया, फिर ये सात आ गया, ठीक है। आठों साथी आठ छंग अड़तालीस, अड़तालीस अपॉन सात साथी गुण पचास, और ये वैल्यू है जो लगभग कितने के बराबर आएगी, 0.98। मतलब आपके पास में जब एनर्जी क्या है, लेस देन वी नॉट है, तो भी उस कंडीशन के अंदर क्या होंगे, 98% पार्टिकल क्या हो जाएंगे आपके, परावर्तित हो जाएंगे, सॉरी पारगमित हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। ओनली फॉर ओनली 0.2, या फिर आप ये कह सकते हो 20% पार्टिकल का क्या हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक अब क्या है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन समेत, अब आपकी ये तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थर्मल को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्मल और स्टैटिकल दोनों मिक्स में है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी चीजें एक साथ में चलती है, तो वो क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे और आसानी से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा तो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन उसका थोड़ा कम है, तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा वो आपका थर्मल और स्टैटिस्टिकल का। तीन यूनिटें काफी जल्दी होगी, क्योंकि इसमें आप देखें थ्योरी और मैथमेटिकल प्रोसेस दोनों ही साथ में थे, पर वहां पर ज्यादातर मैथमेटिकल प्रोसेस और फॉर्मूले आएंगे, इस वजह से उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ तो आपने जो थर्मल है वो आपने सेकेंड ईयर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, तो और भी सरलता से वो समझ में आ जाएगा।